हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे स्पिल मैनेजमेंट के बारे में। जो भी हॉस्पिटल में है, कुछ स्पिल हो जाए, जैसे बॉडी फ्लूड है, अगर वो किसी फर्श पे स्पिल हो गया है तो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्पिल है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी स्पिल हुआ है वो इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और इसके बारे में भी एक बार दिल्ली एम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। और जो स्पिल मैनेजमेंट है ये स्किल टेस्ट के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी जॉब लग जाए तो वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको ये जानना जरूरी है था कि जो स्पिल मैनेजमेंट है वो हम कैसे करते हैं। हॉस्पिटल ड्यूटी के दौरान आपको कोई भी पूछ सकता है कि स्पिल मैनेजमेंट कैसे करोगे, स्पिल किट है उसके अंदर क्या आता है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसमें सबसे पहले देखिए, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसमें देखिए, बॉडी फ्लूड स्पिल। स्पिल क्या होता है? स्पिल मतलब बिखराव, यानी कोई भी बॉडी फ्लूड है जैसे ब्लड है वह फर्श पे गिर गया है तो वो क्या है? स्पिल। ठीक है, आपको उसको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है उसको। आपको इसके क्या करना है? उसका सेफ, उसको क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेड करना है, उसको डिस्पोज करना है। वो क्या है? स्पिल मैनेजमेंट। तो वो कैसे करेंगे? जो भी बॉडी फ्लूड स्पिल मैनेजमेंट है, इसमें स्पिल्ड बॉडी फ्लूड, स्पिल्ड बॉडी फ्लूड में मैंने क्या बताया था, जो भी कोई भी बॉडी का फ्लूड है जैसे ब्लड है, यूरिन है, पस है, सलाइवा, सीमेन, CSF, ये क्या है? ये बॉडी फ्लूड है। और इनसे होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी क्या करते हैं हम, सेफ डिस्पोजल के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके अंदर? स्पिल मैनेजमेंट के अंदर। फिर से बताता हूँ, अगर कोई भी फर्श है उस पर बॉडी फ्लूड गिर गया है, यानी उसमें बॉडी फ्लूड में कुछ भी हो सकता है, ब्लड है, यूरिन है, पस है या सलाइवा है, तो हम उसको क्या करेंगे? स्पिल मैनेजमेंट के तहत हम उसको क्लीन, डिसइंफेक्टेड और डिस्पोज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोट, मैंने इसमें एक नोट लगा के बात लिखी है, सभी प्रकार के स्पिल्ड बॉडी फ्लूड को हम इन्फेक्टेड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं पे भी अगर कोई भी बॉडी फ्लूड गिरा हुआ दिखा तो आप उसको क्या समझोगे कि ये इन्फेक्टेड है, उसको इन्फेक्टेड की तरह ही क्या करोगे, आप ट्रीट करोगे। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट के दौरान जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट के दौरान आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है तो क्या करोगे आप, जो भी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है स्पिल किट के बारे में। जो स्पिल किट है इसके अंदर क्या क्या आता है? स्पिल किट के बारे में कोई भी आपसे पूछ सकता है। देखो, ये बेसिक नॉलेज की बातें हैं, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो स्पिल किट है उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें ग्लोव्स, प्लास्टिक एप्रोन, फेस मास्क, कैप्स, गॉगल्स, सोई कवर, फोर्सेप्स, एब्जॉर्बेंट मटेरियल, येलो बायोहजार्ड बैग, स्मॉल कार्डबोर्ड शीट और सोडियम हाइपोक्लोराइड। स्पिल मैनेजमेंट में क्या काम में लिया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये एम्स दिल्ली में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट बार में। जो स्पिल है, स्पिल को मैनेज करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये आप इसका ये फोटो देख सकते हो जो इसमें दिखा रखा है, ये क्या है? पूरा स्पिल किट। इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड है और जो भी ग्लोव्स है, फेस मास्क है और मॉप है वो इसके अंदर आपको इंक्लूड करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पिल मैनेजमेंट। आपके सामने स्पिल हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो भी आपके कोवर्कर्स हैं उनको सूचित करें। स्पिल एरिया को क्या करेंगे आप? आइसोलेट करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो ब्लड गिरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ब्लड स्पिल। तो आपने इसको क्या किया है, सबसे पहले आइसोलेट किया है। क्वेश्चन ये यहाँ पे देखो, ये क्या है? आइसोलेट किया हुआ है। जहाँ पे भी स्पिल हुआ है, जहाँ पे भी बॉडी फ्लूड गिरा हुआ है, ब्लड या कुछ भी बिखरा हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, जो भी आपके साथ में काम करने वाले स्टाफ हैं, उनको क्या करोगे, उनको इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ पे स्पिल हुआ है, वहाँ पे नहीं जाना है, उस एरिया को क्या करना है, आइसोलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्पिल के दौरान जो भी कॉन्टामिनेटेड हुए क्लोथ्स हैं तो आप उसको भी स्पिल एरिया में डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट स्पिल किट है वो लेके आएंगे स्पिलेज एरिया पर, जो भी स्पिल हुआ है उस एरिया पे हम क्या लेके आएंगे, स्पिल किट। ठीक है, स्पिल किट लाने के बाद में जो स्पिल एरिया है वहाँ पे स्पिल अलर्ट साइन लगाएंगे, जैसे ये क्या है, बायोहजार्ड का साइन है और नो एंट्री साइन है, इस तरह के क्या दिखाना पड़ेगा आपको, स्पिल अलर्ट साइन कि यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे स्पिल हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन के चांस है, तो इस एरिया से आप क्या रहिए, दूर रहिए। तो उसके लिए आपको स्पिल अलर्ट साइन
लगाने पड़ेंगे। वियर PPE, जो PPE है वो पहने, जो भी स्पिल है उसको करने से पहले आपको PPE पहनना ज़रूरी है। दूसरों को इन्फेक्शन होना हो, आपको हो जाएगा, तो उससे क्या ज़रूरी है उसके लिए PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पहनना ज़रूरी है। PPE में क्या क्या आते हैं, उसमें गाउन, मास्क, ग्लोव, फेस शील्ड और गॉगल्स वो आते हैं, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट, जो स्पिल एरिया है उसको चाक की सहायता से क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ठीक है, ये स्पिल एरिया है, ये देखिए ये स्पिल एरिया, तो आप इसको कोई भी चाक की सहायता से क्या करोगे, मार्क करोगे। ये पहले इसकी जो बाउंड्री है उसको मार्क करोगे, या आप इसकी जगह पे टिश्यू पेपर भी प्लेस कर सकते हो। जो टिश्यू पेपर आते हैं आप उसकी जगह जो बाउंड्री है वहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने जो बाउंड्री है उसके अंदर अंदर क्या एरिया है, उसमें क्या है, स्पिल हुआ है, तो उस एरिया को आपको क्लीन करवाना है। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट देखिए, जो भी ब्रोकन शार्प पीस है, यानी ब्रोकन शार्प पीस है, यानी जो भी कोई भी आपने वहाँ पे कोई नीडल वगैरह कुछ भी ऐसा देखा होगा, तो आप उसको किसकी सहायता से उठाओगे, फोर्सेप्स की सहायता से उसको उठा कर जो भी ब्लू पंक्चर प्रूफ कंटेनर है उसके अंदर आप डालोगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखिए, जो प्योर फ्रेशली प्रिपेयर्ड 5000 PPM, जो 5000 PPM हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है उसको किस पे डालोगे, स्पिल पे। ठीक है, जो भी ब्लड गिरा हुआ है उस पे आप क्या डालोगे, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, कितना, 5000 PPM। ठीक है, और उस पे हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन डालने के बाद में जो स्पिल वाला है उस पे आपको क्या डालना है, एब्जॉर्बेंट टॉवेल। ठीक है, क्या करना है, जो भी ब्लड है उस पर आप हाइपोक्लोराइड डालिए, हाइपोक्लोराइड डालने के बाद में उस पर आप क्या डालोगे, जो भी एब्जॉर्बेंट टॉवेल है या कॉटन है वो डालोगे। ठीक है, जो भी टॉवेल है आप उसको कितनी देर तक छोड़ोगे, फिर उसको 10 मिनट तक छोड़ोगे, कि यानी जो भी टॉवेल है वो क्या करेगा, जो भी स्पिल है, जो हाइपोक्लोराइड और स्पिल है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो उसके लिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कितनी देर तक छोड़ोगे, 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद में जो भी डस्ट पान है और कार्डबोर्ड है उसकी सहायता से एब्जॉर्बेंट टॉवेल को उठाएं। ठीक है, तो जो भी आपने एब्जॉर्बेंट डाला था, जो टॉवेल डाला था, आप उसको डस्ट पान और कार्डबोर्ड की सहायता से उठाओगे। जो भी एब्जॉर्बेंट टॉवेल है और कार्डबोर्ड है उसको किस में डिस्कार्ड करोगे, येल्लो बायोहजार्ड बैग में। ठीक है, जो भी एब्जॉर्बेंट टॉवेल है इन्फेक्टेड, जो भी एब्जॉर्बेंट टॉवेल है जिसमें आपने जो स्पिल क्लीन किया है और कार्डबोर्ड है उसको किस में डालोगे, येलो बायोहजार्ड बैग में। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में जो भी स्पिल एरिया है, जो स्पिल एरिया है आपने वहाँ से एब्जॉर्बेंट टॉवेल उठा लिया, ठीक है, वहाँ पे लगभग थोड़ा उसको क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद में एक बार फिर से उसको क्लीन करना ज़रूरी है। किससे, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से ही क्लीन करेंगे, उसको मॉप करवाएंगे। मॉप मतलब क्या होता है, पोचा। ठीक है, जो पोचा है यानी जो स्पिल एरिया है उससे आपने पहले तो क्लीन करवा दिया उसको, किसको, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से स्पिल को क्लीन करवाया, लेकिन उसके बाद में आपको एक बार फिर से उसको क्लीन करवाना है। किससे, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के द्वारा उसको उस जगह को मॉप करवाना है, पोचा मरवाना है। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी प्लास्टिक डस्ट पान है, मोप है और हैवी ड्यूटी ग्लोव है उनको भी आप डिसइंफेक्टेड करवाए, किसकी सहायता से, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, कितना, 5000 PPM। 5000 PPM हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन है, उससे फिर से वापस से आपके जो भी प्लास्टिक डस्ट पान है, मोप है और हैवी ड्यूटी ग्लोव है आप उसको दोबारा काम में ले सकते हो। तो उससे पहले उसको क्या करें, डिसइंफेक्टेड करें, किसकी सहायता से, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन की सहायता से। नेक्स्ट, इसके बाद में जो PPE है, जो आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं उसको रिमूव करोगे, उसको येलो बैग में क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे। ठीक है, जो भी येलो बायोहजार्ड बैग है उसके अंदर आप उसको डिस्कार्ड करोगे। और उसके बाद में देखिए, जो भी आपके इनर ग्लव्स है जो लेटेक्स के बने होते हैं उसको आप किस में डिस्कार्ड करोगे, रेड बैग में डिस्कार्ड करोगे। ठीक है, लास्ट, फिर से वापस इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग, आपको क्या करना है, हैंड वॉशिंग करना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखिए, इस पूरे इंसिडेंट को आप किस में रजिस्टर करोगे, जो स्पिल रजिस्टर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट करोगे, और आपके जो भी हायर अथॉरिटी है उसको आप स्पिल के बारे में क्या करोगे, सूचित करोगे। ये क्या है, ये एक स्पिल मैनेजमेंट है। तो जो स्पिल मैनेजमेंट है वो एग्ज़ाम में भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सॉल्यूशन काम में लेंगे, तो वो कौन सा है, हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन काम में लेते हैं मोस्टली। और इसमें जो स्पिल मैनेजमेंट है इसके बारे में आपको स्किल टेस्ट के अंदर पूछ सकता है। ठीक है,
ये था स्पील मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।